हाँ तो गाइज, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो गाइज, आज हम लाए हैं आपके लिए अलग ट्रिक, कुछ ऐसी ट्रिक, बहुत मज़ेदार ट्रिक है। ट्रिक नहीं, मतलब कि एक बहुत यूजिंग वाली एप्लीकेशन है, जिसका इस्तेमाल है कि मतलब अपने दोस्तों के साथ वगैरह, जैसे मतलब यूट्यूब वॉच वगैरह जो कुछ भी होता है वो मतलब कैसे इंजॉय करें, शेयर करके कैसे देखें, रिमोट कंट्रोल, मतलब जैसे रिमोट कंट्रोल की तरह। तो मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। सबसे पहले जाना आप प्ले स्टोर पर, प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको सर्च मारना है रेव, RAVE। सिंपली इसको कर लेना, मैंने पहले ही इसको इंस्टॉल कर रखा है, तो आपको कर लेना है इसको इंस्टॉल कर लेना। फिर आप उसको क्या करोगे, ये आपके होम स्क्रीन पे आ जाएगा। तो मैंने होम स्क्रीन पे जैसे मैंने पहले ही रख रखा है, और ये देखो ये रहा मेरा होम स्क्रीन पे। तो सीधी सी बात है, इसको कर लीजिए ओपन, थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। तो इस तरह से इसमें इंटरफेयर आएगा। तो आपको क्या करना है, इस तरह से साइड ही साइड करते रहना, ठीक है, इस तरह से साइड कर देना। तो आपको ये लास्ट ऑप्शन आएगा, इसमें आपके पास तीन ऑप्शन आएंगे कि किस पे मतलब जो आपका अकाउंट है वो बनाना। तो इसमें तीन ऑप्शन क्या, फेसबुक, ट्विटर, जीमेल, देख रहे हो ये रहे। तो गाइज, इसमें से मैं अभी सोच रहा हूँ मैं जीमेल पे बनाऊँ या किस पे बनाऊँ, तो मैं जीमेल से बना लेता हूँ। तो मेरा जो ये है, मैंने कनेक्ट कर दिया, तो देखो मेरा कनेक्ट हो चुका है, मेरा जीमेल से कनेक्ट हो चुका है। अब ये थोड़ा देर लोडिंग लेगा, इसको हमने कर देना ओके, सबको एलो कर देना। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, ये देखो यहाँ पे ये जो प्लस का निशान दिख रहा है आपको, यहाँ पे इस पर जाना, इस पर करना क्लिक। इस पर क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे कितने सारे ऑप्शन आ रहे हैं, देखो इस पर रैप डीजे, यूट्यूब, प्राइम, नेटफ्लिक्स, ड्राइव, फोटोज, वेब, क्या मतलब जो भी है, मतलब आप सबके सामने, और भी एक दो है हिस्ट्री वगैरह। तो मतलब इनका मतलब क्या कि अगर आपको यूट्यूब शेयर करना, किसी दोस्त के साथ वीडियो देखनी है, कुछ भी देखना, मूवी वगैरह वो कर सकते हो। फोटोज में आप फोटो शेयर दिखा सकते हो, मतलब कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा, रिमोट कंट्रोल, बट आप उसको शेयर खुद ही कर सकते हो, चार लोगों के साथ जितना मन करे उसके साथ देख सकते हो। तो इसमें वेब का भी है, वेब भी इस्तेमाल कर सकते हो, वेब मतलब www.google वगैरह, जैसे कुछ भी वेब हुआ, ड्राइव वगैरह सब कुछ इसमें है। तो अभी मैं फिलहाल डेमो के लिए मैं यूट्यूब सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये कर लिया मैंने यूट्यूब सेलेक्ट। अब मान लो मुझे कुछ देखना है, वो भी अपने दोस्त के साथ, तो सिंपली मैं क्या करता हूँ अभी, ताकि कॉपीराइट वगैरह ना आए, तो कुछ अपनी ही वीडियो चला लेता हूँ, ठीक है। तो देखो ये हमारा चैनल आ चुका है यहाँ पे सर्च में, तो इसमें से मैं फिलहाल के लिए ये वाली वीडियो ले लेता हूँ, हाउ कैन टैग, ठीक है। तो थोड़ी देर ये ऐसे लोडिंग लेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये खुल चुका है अभी हल्की देरी, मतलब फर्स्ट टाइम पे ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा। तो आपको क्या करना, पहले वीडियो को रोक लेना, क्योंकि सबसे पहले इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि जो यहाँ पे रेजोल्यूशन होती है ना वीडियो देखने की, वो थोड़ी सी हाई रहती है शुरू में, तो आपको उसको पहले ही सेट करना पड़ेगा, हर बार नहीं, एक ही बार करना पड़ेगा। तो मैं अभी इसको 360 पे कर लेता हूँ। अब आप इसके बाद इसको प्ले कर सकते हैं 360 की मतलब क्वालिटी पे ये वीडियो चलेगी। अब मुझे ये, जैसे कि मुझे ये वीडियो किसी को दिखानी है, किसी के साथ देखनी है, इन्जॉय करनी है, या फिर कोई भी मूवी ले लो, कुछ भी ले लो, कुछ भी देखना है, तो सिंपली क्या करना, अभी मैं इसको पॉज कर देता हूँ। आपको देखो यहाँ पे जाना है, देखो मैं मार्क करके दिखा देता हूँ, इस जगह पे जाना है, देख रहे हो सबसे नीचे। तो आप इसमें प्लस से इसे करोगे तो आपके जो कॉन्टैक्ट्स वगैरह होंगे, कुछ भी होगा, उसमें से आप उनको रिक्वेस्ट भेज सकते हो और ऐड कर सकते हो, और उनको भी मतलब इनवाइट करवा के, आप उनसे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करवा के उनको मतलब कि अपनी फ्रेंड लिस्ट में जोड़ सकते हो। तो ये तो हो गया नॉर्मल। दूसरा आता है शेयर का, एक तो इसमें मतलब कि देखो, इसमें यहाँ से भी शेयर कर सकते हो, और पहले ही इसमें देखो यहाँ पे भी ऑप्शन आ रहे हैं, देखो ये देखो यहाँ पे पहले ही आ रहे हैं ये सारे ऑप्शन कि कहाँ कहाँ शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो मैं अभी क्या करता हूँ, मुझे व्हाट्सएप पे शेयर करना है, मुझे दोस्त को बुलाना, तो व्हाट्सएप पे शेयर कर लेता हूँ।
तो सिंपली क्या आप चाहो तो व्हाट्सएप पे यहीं पे क्लिक कर लो, या फिर इस तरह से देखिए कॉपी कर लो, कॉपी टू क्लिप बोर्ड, इसको कॉपी कर लिया। अब मैं चलता हूँ अपने दोस्त के व्हाट्सएप पे। तो देखिए मैंने अपने दोस्त को दे दिया यहाँ पे लिंक, मैं ये लिंक जो दिया है मैंने ये सेंड कर दिया, ये देखो। और जो मेरा दोस्त है इस पर क्लिक करके वहाँ पे आ जाएगा। अतुल भाई जरा क्लिक करना इस पर, ये देखो थोड़ा वेट करो, उन्होंने क्लिक करा होगा, वो ज्वाइन कर रहे होंगे अभी इस वीडियो को। ये देखो मेरा जो दोस्त है वो आ चुका है, एक हनिया खान नाम से, मतलब जो भी अभी 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 उन्होंने अकाउंट बनाया फॉर डेमो के लिए, ये सब तो अभी उन्होंने बनाया। तो अगर मैं चाहूँ, हो गया, इसको भी एलो कर देना। तो मैं इस पर चाहूँ तो देखो इस पर इस तरह से वॉइस चैट भी कर सकता हूँ, इस तरह से वॉइस चैट कर सकता हूँ। और जो मेरे सामने जो मेरे दोस्त देख रहा होगा उसको भी ऐसा ही ऑप्शन आया, तो वो भी वॉइस चैट कर सकता है मुझसे। अतुल भाई जरा वॉइस ओपन करके बोल सकते हो उधर से? वो देखो। तो गाइस देखिए मैं अभी आपको एक वीडियो चला के करता हूँ। तो गाइस प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो मतलब आधी वीडियो ना मैंने जो बनाई थी उसमें मतलब तीन जगह माइक ऑन था, मतलब तीन जगह समझ सकते हो, मतलब कॉल पे भी था, मैं अपने दोस्त को बता रहा था कि हाँ बोल के दिखाओ, उसकी तरफ से माइक ऑन था दो जगह से। तो मेरा वीडियो रिकॉर्डर वाला भी माइक ऑन था, मतलब कि मेरी जो ये वॉइस जा रही है वो माइक के थ्रू ही तो जा रही है, तो वो भी ऑन था, फिर कॉल की तरफ भी ऑन था, और फिर इस एप्लीकेशन की तरफ भी ऑन था। तो उसमें वीडियो में हमारी वॉइस नहीं आ पाई, तीन जगह की वॉइस होती है ना तो वो म्यूट हो गई। तो मैं आपको यहाँ से शॉर्टकट भी बता रहा हूँ, ठीक है? तो चलो चलते हैं। तो मैं अभी कोई ऐसी वीडियो देख लेता हूँ अपनी जिसमें आप बोल ना हो जाओ, ठीक है? तो चलो इस वीडियो को खोल देते हैं। तो गाइस मेरे दोस्त था जो, मैं उसको नहीं बुलाऊंगा फिर से, वही प्रॉब्लम होगी, तो मैं आपको एक डायरेक्ट समझा दूंगा, ठीक है? तो ये चली वीडियो, ये लोड हो चुकी है, तो कोई बात नहीं, मैं इसको पॉज कर देता हूँ और कर देता हूँ 360। तो गाइस इसमें देखो मार्क करके बता देता हूँ मैं फटाफट फटाफट। तो ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, शेयरिंग का मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है? कोई बात नहीं, बाकी जो ऑप्शन बच रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मैंने आपको ये बता ही दिया होगा कि इसमें मतलब जो फ्रेंड वगैरह होगा वो कैसे ऐड करना होगा, है? तो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं इधर। तो यहाँ पे प्राइवेसी है, सेटिंग पे क्लिक करोगे तो अभी ये एनीवन कैन जॉइन द रेव, देख रहे हो यहाँ पे दिखा रहा है एनीवन कैन जॉइन द रेव। तो अब कोई भी मतलब पब्लिसिटी हो चुकी है, मतलब इसको पब्लिक में कोई भी ज्वाइन कर सकता है इस वीडियो को। अगर कोई रैप पे आके कुछ वीडियो देख रहा तो मेरे ही इस पे आ जाए, मैंने इसको ऑलरेडी चला रखा। तो गाइस इस बात को छोड़ते हैं, रही बात फ्रेंड्स की, तो फ्रेंड्स का मैंने बता दिया कॉपी टू क्लिप बोर्ड करना, व्हाट्सएप पे देके आना, वो उस पे जैसे ही क्लिक करेगा वो तुम्हारे इधर आ जाएगा, और तुम उससे वॉइस में चैट कर सकते हो, बाकी टाइपिंग भी कर सकते हो, ऐसे करके हाय हेलो जो कुछ भी जितना आपको जो भी आप चैट करना चाहो कर सकते हो, ठीक है? ये हो गया चैटिंग की बात, ठीक। तो अब दोबारा अब मैं बता देता हूँ सेटिंग की बातें। तो सेटिंग में क्या देखो, अगर आप इसको कॉल की तरफ कर दोगे तो इसमें सिर्फ कॉल की आवाज़ आएगी, ठीक है? और देखो दोस्तों यहाँ पे इस पर करोगे तो ओनली वॉइस की मतलब कि कॉल की जो मतलब वॉइस चैट होगी उसकी आवाज़ आएगी, वीडियो की मूवी की जो कुछ भी आप देख रहे होगे उसकी जो वॉइस होगी आवाज़ होगी वो माइनस हो जाएगी, मतलब ओनली सिर्फ वीडियो दिखेगी उसकी ऑडियो नहीं आएगी। अगर आपको क्या करना है, मान लो आपको बस वीडियो देखनी देखनी है किसी की बात नहीं सुननी, तो आप इसको इस तरह ले जाना पूरा कर देना, तो आपको कॉल की आवाज़ आनी बंद हो जाएगी, ओनली वीडियो की आवाज़ आएगी। अगर आप इसको बीच में कर देते हो तो वॉइस भी आएगी, वॉइस चैट में होगा जो भी बात उसकी भी आवाज़ आएगी और वीडियो की भी आएगी, ठीक है? बाकी इसको आप बीच में करोगे जैसे उस हिसाब से अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो, तो ठीक है। तो इसमें दूसरा ऑप्शन होता है लीडिंग का, ये सारे जो ऑप्शन दिख रहे हैं यहाँ पे देखो ये सारे ऑप्शन लीडिंग के हैं, भाई कैसे लीड करना, कौन लीडर, तो इसका लीडर एक ही होता है जो स्टार्ट करता है और जो बाकी को लिंक देता है ना, तो वही लीडर होता है, वही इन सबको फॉलो करता है।
इसमें आता है VOIP, है ना। इसमें क्या है कि कौन मतलब कि वॉइस वो कर सकता है, चैट कर सकता है, वॉइस चैट की परमिशन कौन दे सकता है। तो इसमें एवरीबडी, एवरीबडी का मतलब आप समझ गए होंगे कि मतलब एवरीबडी हर कोई कर सकता है। रीडर ओनली पे बस ओनली रीडर ही बोल सकता है, और ऑफ कर देंगे मतलब कोई नहीं बोल सकता, ठीक है। मेरी आवाज़ भी खुद नहीं जाएगी अगर मैं खुद लीडर हूँ। चलो ये आप लोगों के लिए प्लेबैक, प्लेबैक का मतलब जैसे बैकग्राउंड, जैसे कि मान लो मैं इधर वीडियो चला देता हूँ, ये चला दी मैंने वीडियो, इसको मैं बैकग्राउंड में भी सुन सकता हूँ इस तरह से, ठीक है। अभी फिलहाल मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो वर्क नहीं कर रहा बैकग्राउंड, क्योंकि मेरा रिकॉर्डर ऑन है। तो देखो ये देखो ऑन हो गई मेरी वीडियो की आवाज़, ठीक है। तो कमी रहने देते हैं प्ले बैक में, उसे प्ले बाकी थोड़ा सा अब साउंड कर देता हूँ जो सुन। ये बैकग्राउंड में वर्क करता है बट अभी नहीं करेगा, क्योंकि मैं रिकॉर्डर ऑन करके बैठा हूँ। इसको अपने आप एडजस्ट कर लेना भाई, कि इस तरह से आपको ये चलाना है। तो इसको करते हैं, चलिए कुछ और सिस्टम अभी रिकॉर्डर की वजह से मतलब सेकंड रिकॉर्डर ऑन है मेरा, मेरा जो सेकंड रिकॉर्डर है वो अभी ऑन है, तो इस वजह से बैकग्राउंड ये दिखा नहीं पा रहा है। इसको मैं पहले जैसे कर देता हूँ जस्ट प्ले, ताकि बैकग्राउंड में ये वर्क कर पा रहे, मतलब बैकग्राउंड में किस तरह करेगा कि पीछे वीडियो चलती रहेगी और आप इससे अलग कुछ भी काम कर सकते रहते, मतलब जो करना आपको वो करते रह सकते हो, या फिर स्क्रीन ऑफ कर सकते हो तो भी इसकी आवाज़ आएगी। ये कटेगा कब, जब आप इसको पूरी तरह मतलब कि हटा दोगे स्क्रीन से, इस तरह से इसमें लेफ्ट लिखा आ जाएगा, या फिर आप लेफ्ट हो जाओगे, आपका दोस्त अगर इस तरह से काटेगा तो उसका भी लेफ्ट आ जाएगा। लेकिन रही बात इसकी प्राइवेसी की, प्राइवेसी में क्या है कि भाई कौन वीडियो देख सकता है। तो वीडियो में मतलब कि अगर जैसे मान लो मैंने बताया था कि फ्रेंड्स कैसे ऐड करते हैं, आपको फ्रेंड्स में करोगे तो आपको फ्रेंड्स ही ज्वाइन कर पाएंगे, कोई लिंक वगैरह से कोई नहीं आ पाएगा, है ना। और नियर बाई, नियर बाई का मतलब ऐसा होता है कि आपके 100 मीटर के एरिया में जो आसपास में जो लोग इसको यूज कर रहे हैं ना, इसको इस एप्लीकेशन को रैप को, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो नियर बाई का यही हुआ, फ्रेंड्स ओनली का बता दिया, नियर बाई का मैंने बता दिया, पब्लिक का ये है कि कोई भी कर सकता है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है, नियर बाई फ्रेंड्स या फिर पब्लिक जो अननोन होते हैं, मतलब बाकी लोग जैसे कि मेरी इस वीडियो को देखने के लिए कोई आया, वो भी रैप एप्लीकेशन के थ्रू, तो वो सीधा सीधा मेरे इसी वीडियो पे आ जाएगा पब्लिक में, ठीक है। इनवाइट ओनली में, इनवाइट ओनली का मतलब तुम समझ गए होंगे कि जैसे मैं लिंक दे के आया तो मैंने उनको इनवाइट करा लिंक से, तो वही सीन कर सकते हैं, मतलब वही वीडियो देख सकते हैं। तो ये चीज़ की मतलब ये सब चीज़ की खासियत है। बाकी मैंने अभी डेमो के लिए बस यूट्यूब चला के दिखाया, ऐसे ही आप बाकी जो इसमें चीज़ें फीचर्स दे रहे हैं, जैसे कि पीछे मैंने जब स्टार्टिंग में दिखाए थे क्या क्या नाम थे उनके, नेटफ्लिक्स और जो भी थे मतलब फोटोज वगैरह और बहुत सारे थे, तो ठीक है उनको भी इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको फुल स्क्रीन में भी आप देख सकते हो, देखो इस तरह फुल स्क्रीन पर क्लिक करना तो चल जाएगा, ऊपर वॉइस का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, और ये ऑप्शन भी आ जाएगी, देखो सारे ऑप्शन आ जाएंगे, फुल स्क्रीन में भी आप देख सकते हो, ठीक है। सो ये हो गई इसकी क्वालिटीज वगैरह, आपकी सेटिंग वगैरह। तो बाकी इसमें अभी बताने के लिए तो दोस्तों कुछ रहा नहीं है। सो गाइस जैसा करते हैं अब करते हैं वीडियो को पाउज, और आप हमें बताना कि आपको कैसा लगा ये सब। इसका मैं आपको इसका बेस्ट डेमो दे सकता था बट क्या करें, अभी थोड़ा सा ये जो एरर है ना, जो मतलब कि वॉइस वाला एरर है, तो इसकी वजह से वो क्या हो रहा है कि मतलब कि मैं इधर वॉइस रिकॉर्डर ऑन करके बैठा हूँ ना, ये वॉइस रिकॉर्डर ऑन करके बैठा हूँ, तो उधर से उसका भी माइक ऑन होगा, फिर मेरा डबल माइक ऑन हो जाएगी, फिर मैं एप्लीकेशन का भी तो माइक ऑन करूँगा, तो उससे क्या होती है म्यूट हो जाती है वीडियो, तो वीडियो में वो सुनाई नहीं देता। देखो इस पर फिर से बता देता हूँ, ये सारे ऑप्शन हैं, आप जो मन करें देख सकते हो, ये वेब, डीजे, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, प्राइम, वन ड्राइव, यूट्यूब, वीमियो वगैरह तो मुझे पता नहीं है, कैरियोके शायद
हाँ कैरियोके में ये होगा कि देख लेते हैं इसमें शायद है। अच्छा ऐसा कि आप ये जो मतलब टूम्स वगैरह होते हैं इनको एंजॉय कर सकते हो किसी के भी साथ जो भी आपके साथ में हो ये चीज़ें वेब में वही होगा समझ जाऊँगा जो गूगल वगैरह होती है उसमें जो आप कुछ भी चलाओगे गूगल में जाके कोई भी वीडियो चलाओगे फिर इन्वाइट करोगे चाहे वो कुछ भी चीज़ हो समझ रही हो उसको आप शेयर करके देख सकते हो है ना। हिस्ट्री में वही है कि जो मैंने अभी हिस्ट्री में जो कुछ किया वो चीज़ ठीक है लाइक्ड में लाइक वाला ही आएगा कि मैंने कुछ लाइक किया है वो लाइक की लिस्ट में आ जाएगा। तो ये सब चीज़ थी इसमें। बाकी दोस्तों ये बताना कि वीडियो कैसी लगी अच्छी लगी हो बुरी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों चैनल को प्लीज़ इसको जो नए लोग हैं जो नए व्यूवर्स हैं जरूर सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को। हमारे चैनल का नाम मैं दिखा देता हूँ ये हमारा चैनल गुंडो गेमिंग एंड ट्रिक पॉइंट जाओ ठीक है इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा ताकि ज़्यादा लोगों तक ये जाए और सब इस चीज़ का फ़ायदा उठा पाए मतलब कि मज़े ले पाए। और इस्तेमाल करना बहुत अच्छी एप्लीकेशन है मैं अच्छी तरह से फीचर्स शायद दिखा भी दिया हूँ कुछ नहीं दिखा पाया हूँ है ना मतलब बहुत ज़्यादा फीचर्स है इसमें और आगे भी अपडेट होता रहेगा और भी अच्छे अच्छे फीचर्स इसमें आने वाले हैं। तो बस यहीं पर करते हैं वीडियो खत्म।